इसलिए हम लोग को अपना कानून, अपना विधान, अपना भूमि विशेष
भगवान पर लगाना चाहते हैं वो महती मूर्खता है, जिस बात को सूचित करके कहते हैं वो तो अपना कानून तो मेरे ऊपर मत लगाना है ना। ये जीवों के लिए सब कानून है, परमात्मा के लिए कोई कानून नहीं है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, पूरी तरीके से रहेगा। और उसका अनुरूपण जो है सगुण ब्रह्म के रूप में भी किया गया और निर्गुण ब्रह्म के रूप में किया गया। ये बात कैसे बनाई, इसको कैसे संभव है? नहीं, वो बात पूरी रूप में पहले नहीं था, थोड़ी देर बाद मुक्त हो गया, अंतर भाग हो गया, उसके साथ सगुण ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म के रूप में कैसे बनाए? वो तो निर्गुण ब्रह्म तो भक्त को विश्वास भाव की दृढ़ता सदाचारता हो उसका वो अंतर पढ़ना उच्छिन्न चेतन है, वही विषय के रूप में मानता है। वो निर्गुण ब्रह्म तो अलग तत्व वो बात है, और सगुण ब्रह्म जो है वो जब भावित होता है भक्त के द्वारा तो उसकी जो अनुग्रह शक्ति है वो प्रकट हो जाती है, और वो भक्त की अनुभूति के लिए संतोष के लिए सत्ता उस रूप में प्रकट हो जाता है और उसको दर्शन देता है। और वो गौतमनाथ है, सातोपनाथ है, दोलोकनाथ है, दोलाभनाथ है, वो तो भक्त पर अनुग्रह करते स्वयं आते दर्शन होते हैं। तो भगवान निर्गुण भी है, सगुण भी है, साकार भी है, परंतु जो उनका दर्शन होता है वो तो भगवान की रीति से भगवतादि का रूप दर्शन होता है। वैसे अंत करणावच्छिन्न चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य को औक्ष्य होने पर, तो यदि भगवान साकार है तो हम साकार की अनुभूति उनका कर्णावच्छिन्न चैतन्य की विश्वावच्छिन्न चैतन्य को औक्ष्य होकर तो होती है। और यदि भगवान बड़े अनुग्रह सभी हैं तथा कृपा से मूर्ति हैं वो उसके सामने आते हैं तो वहाँ भी तादात्म्य ही होता है। भावुक जो भगवान है वो तो कल्पनावच्छिन्न चैतन्य जो है, कल्पना वृत्तिमत अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य जो है, वही चैतन्य कल्पना विश्वावच्छिन्न चैतन्य भी है। इसलिए भगवान के दर्शन में तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, चाहे वो भगवान का निर्गुण रूप माने, सगुण माने, साकार माने, तत्काल प्रगत माने या लोकांतर को अवर्वा माने, भगवान को दर्शन में तो कहीं को कोई आपत्ति या विपत्ति के लिए सुंदर नहीं। अब आप हर तरह को अपने धारणा को तोड़ दीजिए या भगवान को अनुग्रह पर विश्वास कीजिए या भगवान की जो सगुण साकार मूर्ति समय समय समष्टि के कल्याण के लिए जो अवतीर्ण होती रहती है उसके प्रति श्रद्धा कीजिए। वहाँ तक कि किसी किसी के लिए तो भगवान पुत्र आदि के रूप में भी प्रकट होता है और किसी के लिए तो अर्चा रुद्रा के रूप में प्रकट होता है, वो सालपुराण की शिला के रूप में, नर्मदा शंकर के रूप में, जैसे वहाँ बिहारी जी के रूप में है, जैसे राधा रमन जी के रूप में है, तो ये अर्चा रुद्रा के रूप में भी भगवान का वो अवतार होता है और ये भक्त को कल्याण के लिए होता है। तो जो लोग भगवान के दर्शन पर शंका करते हैं वो अपने भगवान के बारे में कभी सोचते हैं और न तो अपनी आत्मा के बारे में कभी सोचते हैं और न तो भगवत अनुग्रह के बारे में सोचते हैं। भगवान का दर्शन संदेह को बिल्कुल परे है, शास्त्र शुद्ध है, युक्ति शुद्ध है, भक्तों को अनुभव से शुद्ध। निर्गुण पक्ष की जो गौरव बात थी उसके थोड़ा
दुर्ग पक्ष में भी तो वो है तो उसको निर्गुण का साक्षात्कार होना चाहिए इस समय का। तो जब निर्गुण की जो भावना करता है तो भावुक रूप जो है उसी का साक्षात्कार नहीं होगा और वही उसका अंतकरण शुद्ध है, गुरु की शक्ति हो चुकी है, शरण आदि हुआ है, सबको अज्ञान की निवृत्ति होने से जो आत्मा और परमात्मा की एकता का भोग हो वही उसको हो और वही वो चाहता हो तुम्हारा अंतकरण भगवदाकार भवो आकार विशेष वाला सारा अंतकरण बन जाए ज्ञानी का अंतकरण उनको भगवदाकार हो सकता है तो तत्व ज्ञानी जैसा का हो वैसा उसका अंतकरण न हो सको उसमें तो कहीं कोई अर्थ वहां पर तो दूसरे का अंतकरण भी सदाकार होगा गुंगन लोकन मनुका संग धातु विशुद्ध सत्वस्थान हो तो वास्तुकाना तन तन लोकन लघ को वास्तुकाना प्रश्नावास भगवन भगवत आत्मगुपा हो तो वो किसी लोक का दर्शन करा सकता है, किसी काम में वस्तु का साक्षात्कार करा सकता है, प्राप्ति करा सकता है, क्योंकि उसका अंतकरण विशुद्ध विशुद्ध सत्व सत्वात्मक अंतकरण है। अभिप्राय पार्थ जो ईश्वर का अंतकरण है वही उसका अंतकरण है। विशुद्ध सत्व की उपाधि को जैसे योगी लोग परमेश्वर को जानते हैं तो जिनका योगियों का अंतकरण शुद्ध हो जाता है उनमें भी सारी सिद्धियों का समावेश हो जाता है और ईश्वर को नित्य सिद्धि संपन्न आई है। तो यदि सबको जो चाहो तो दूसरे को भी भगवत दर्शन करा सकता हो और अपने दर्शन की तो बात भी चाहिए। राजीव कृपा जाएगी जिसकी और तीसरे जिसकी इन दोनों अंतर है या प्रपंच के प्रति तत्वज्ञानी की दृष्टि और ईश्वर की दृष्टि यदि दोनों की दृष्टि नहीं मिलेगी तो एक की दृष्टि अज्ञान से युक्त होगी या तो ईश्वर की दृष्टि में अज्ञान रखना पड़ेगा या तो तत्व की दृष्टि है। इसलिए तत्वज्ञ जो है वो उसकी अपनी दृष्टि स्वयं से कुछ है ही नहीं, उसमें न दृष्टा है न दृष्टि है न पक्ष है। तो जो कुछ है उसे ईश्वर की दृष्टि से ही देख रहा है बल्कि ईश्वर भी उसकी दृष्टि ही है। इसलिए कहीं ईश्वर के साथ और दूसरे जो तत्पर जो हुए उनके साथ भी दृष्टि भेद है। यदि ज्ञान में भेद होगा तो एक ज्ञान कम होगा एक सब ज्यादा होगा। ज्ञान में तारतम्य जो है वो विचार संगत नहीं हो ज्ञान तो सब प्रकार से यात्री भी इसलिए सत्संग और ईश्वर की दृष्टि में कोई भेद नहीं नजर से नजर नहीं आने चाहिए। स्मृति से ज्ञान का साथ स्मृति से एक पूर्वानुभूत वस्तु का जो बोध हो रहा है उसको कभी स्मृति कहते हैं परंतु यहाँ नशो मोह के पश्चात जो स्मृति शब्द का उच्चारण है वो प्रसंग की दृष्टि से ज्ञान का भी जा सकते हैं और अन्यत्र स्मृति शब्द जो है वो पूर्वानुभूत विषय की जो स्मृति होती है गृहित प्राणता स्मृति जो पहले किसी प्रमाण को ग्रहण किया जा चुका हो उसकी पश्चात काल में स्मृति होती है। संस्कार जन्य ज्ञान स्मृति है संस्कार जन्य ज्ञान का नाम स्मृति है अनुभूत विश्वासन प्रदोषा स्मृति मीमांसा में कहते हैं गृहित ग्राही का स्मृति और न्याय में सूक्ष्म बोलते हैं संस्कार जन्म ज्ञान स्मृति
और भोग दर्शन में बोलते हैं अनुभूत विषय संपूर्ण स्मृति, परंतु वह जो स्मृति है वो ज्ञान ज्ञान का उपलक्षण है। नो जो है कौशल तो का नाश हुआ तो स्मृति लंबा लंबा पार तो एक बार भूल गई। स्मृति जो होती है वो बारम्बार बारम्बार होती है, और वह सदा के लिए जो स्मृति लंब हुई हो उसका भूलता है। किसी को स्मृति लंबो सर्वग्रंथि नाम गुप्त में ऐसी स्मृति के लाभ का वर्णन हो जिससे संपूर्ण ग्रंथियां छूट जाती हैं, तो वो जो सर्वग्रंथ विमोचक स्मृति है वही स्मृति है ग्रंथ। हाँ ब्रह्मी निवर्तक ब्रह्माकार वस्तु, और एक उसकी परिपाप से अविद्या निवर्तक साक्षात्कार नई वृत्ति होती है, और उसके पश्चात निवर्त निवर्तक भाव हो जाते हैं। जब तक तत्व ज्ञानी का जीवन मुक्ति का जीवन रहता है तब तक ब्रह्मनवी वृत्ति ही रहती है। उसमें ब्रह्मई वेदन मृतम परस्ता परस्ता ये गुस्सा पुष्ठम की ब्रह्मा दुआ सरता दुआ सुखा द्वारा सृष्टि बनाते हुए भी ब्रह्माकार वृत्ति है स्मृति है। सनता दुआ है बालक की तरफ पूरा करते हुए भी सनता वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति है, और सुखा द्वारा समाधि लगाते हुए भी ब्रह्माकार वृत्ति है। तो ब्रह्माकार वृत्ति भी विविध राशि की एक प्रकार की जिज्ञासु की एक प्रकार की, और जीवन में महापुरुष की एक प्रकार की। ब्रह्म वो कभी है परंतु वृत्ति में रूप होता है। ऐसा है कि विविधासु जो है वो विजातीय प्रत्यय का पुरस्कार करता है और सजातीय वृत्ति का प्रवाह करता है। विजातीय प्रत्यय पुरस्कार पूर्वक सजातीय वृत्ति प्रवाहीकरण निविधासन ये तो होगा निविधासन, और उसमें भी कर्तृत्व जितना सुफल रहे उतने ही अच्छा रहे। ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रवाह अहम प्रसंग होना अहम वृत्तिमान ऐसा यदि अभिमान बनेगा तो वर्ग घाता में संयोग वाह हो जाएगा। मैंने लड़की का ऐसे दूल्हे को ब्याह किया तो दूल्हे मर जाए। तो यदि वृत्तिमान वृत्ति जो है वो आप वृत्तिमान को कर्ता बनाती है तो यहाँ तो कर्तृत्व सुशील करने वाली वृत्ति होनी चाहिए। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व वासना आदि से शून्य विजातीय तत्व को रहे केवल सजातीय ब्रह्माकार वृत्ति का प्रभाव ये यदि भाषण है, परंतु जो साक्षात्कार है उसमें तो सत्यंगार अनंतम ब्रह्म के अनुसार सब पदार्थ के रूप में ब्रह्म का अनु विचार हो चुका है, और नहीं दृष्टुन पृष्ठेर भी परिलोक हो देते अथवा अदृष्टन पृष्ठी अक्षरतम श्रोत्री अनुतम मंत्री इसके रूप में कृतवासना का विचार हो चुका है, और ये विचार जो पहले हुआ हुआ हो उसको महावाप के द्वारा अवनात्मा ब्रह्म के द्वारा खबर होने की एकता का बोध होता है, और रूपक भ्रम और स्वरूप का अज्ञान माने मूल सहित रूपक भ्रांति का जब सर्वथा निवृत्ति हो जाती है तब आत्म साक्षात्कार उसको बोलते हैं। और साक्षात्कार होने के पश्चात जिसको हम जीवन मुक्त होते हैं तो वो जीवन मुक्त के लिए जो कुछ भात पात नट आदि है और जो कुछ स्त्री पुरुष आदि है जो कुछ स्वयं तप कृपा अहम है वो सब प्रसरी कई है
उसकी वृत्ति ब्रह्ममयी है, इसलिए वो तो दास्यान सतत गुरु होगा नष्ट स्मृति रही परुपन दोहन साथी में न रहो कि चंदाल के घर में न रहो, उसको याद रहो कि न रहो वो तो ज्ञान संताल ही मुक्त हो गया है, उसकी मृत्यु में तो कोई संभव नहीं है, न कोई शोक है न हो है, न उसके लिए जीवन मृत्यु में कोई फर्क है, क्योंकि वो शरीर ही नहीं है। ये जो जो आकृति में खुशी है सत्य है, उनमें सत्यत्व बुद्धि भ्रांति है, तो ये भ्रांति जहाँ मिट गई और भ्रांति का मूल जो आत्मा का ज्ञान है वो मिट गया, सत्य जी जो भी वृत्ति है वो सब संपूर्णम जगदेव नंदन बनम सर्वे की कल्पना गंगम वारु समस्त वारु वहा पूर्ण सरस्ता वाच प्राकृत संस्कृता श्रुति सुरो वाराणसी मेदिनी सर्वा वस्तु दुरस्त वस्तु विश्वा दृष्टो परो ब्रह्मणे दृष्टो पर ब्रह्मणे, वह पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता हो तो संपूर्ण जगत नंदन बनते स्नान आरंभ भावक हो जाता हो, सब वृक्ष पल्प वृक्ष के स्नान हो जाते हैं, सारा बल गंगा बल के स्नान हो जाता हो और सारी क्रिया पवित्र हो जाते हैं, चाहे संस्कृत में बोलो चाहे प्राकृत बोलो अपभ्रंश बोलो सब उपनिषद हो जाते हैं और सारी धरती काफी हो जाती है पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने से उसको ब्रह्ममयी उसको ब्रह्ममयी वृत्ति करते हैं। यदि आप धार्मिक व्यक्ति की भूमिका में प्रार्थनाओं के पूर्व दिनों का आप निष्पालन किया है और तो कष्ट सुरक्षा नहीं हो सकता उपस्कृत का अर्थ होता है संस्कृत जैसे सन और कार के बीच में आकार आ जाता है ना उत्साह से कार आ जाता है उस सन का तो मैं है और उपस्कार में तो उप तो है कार भी है और वो संस्कार अर्थ में भूषण अर्थ में सुख प्रत्यय होता है तो उससे उपस्कार शब्द बनता है संवारना उसका अर्थ होता है संवारना तो अपने अंतकरण में तो कर्म का रहना होगा और एक दूसरे उपस्कार का रहना होगा तो उपस्कार माने अंतकरण को संवारने की विद्या जिसको सोचते सारी गंदगी निकल जाए और वो भगवान का आभूषण बने पापल मन को ऐसा बनाना जो भगवान का आभूषण बन सके उसका नाम उपस्कार ये हिंदी में शब्द नहीं चलता है पर संस्कृत में तो वैशेषिक दर्शन पर उपस्कार वृत्ति ही है और जहाँ परी और सन से शुद्ध प्रत्यय होता है और उपाध्य अलग सूत्र है उससे ये शुद्ध प्रत्यय होते उपस्कार शब्द बनता है वो भूषण के अर्थ में किसी भगवान की शोभा बढ़ाए देखो भगवान के यदि पुत्र हो भगवान के कार्य हो भगवान को बनाए हुए हो तो जिसको अपने पिता अपने गुरु अपने स्वामी का श्रृंगार हो ऐसा जीवन व्यतीत करो कि लोग कहें वो ये सचमुच भगवान का पुत्र है ये सचमुच भगवान का सेवक है ये सचमुच भगवान का शिष्य है। यदि हमारे जीवन के द्वारा अपने पिता की गुरु की स्वामी की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है तो हमारे जीवन में कोई दोष अवश्य है, इसलिए उपस्कृत करना अपने जीवन से देखते लोग तुम्हारे ये महात्मा है उसके ऊपर भगवान कितने प्रसन्न है
अपनी सेवा में भगवान ने रख लिया है। जीवन हमारा ऐसा स्वच्छ रुप प्रेमय होना चाहिए। श्री हरि बाबा जी को कहते थे स्वस्थ भी होना चाहिए, जीवन स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो, संयमी हो, सद्भाव संपन्न हो, विवेकी हो और निर्हम हो, अहंकार ना हो। तो ऐसा लगता है कि सचमुच ये भगवान का बनाया हुआ जीवन और भगवान को प्रसन्न करने के लिए बना है। तो अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए, उपस्कृत करना चाहिए। भगवान कहते हैं काम को कैसे बताए। ऐसा है कि एक तो जो लोग अपने को भाग्य समझते हैं उनकी भक्ति भी विचारणीय ही होती है। यदि सचमुच भक्त हो तो काम का विषय या क्रोध का विषय या लोभ का विषय उसको दिखाई कहाँ पड़े, उसको तो भगवान ही दिखाई पड़ेंगे और वो रक्षा करेगा। जब भगवान दिखेंगे तो रक्षा करेंगे। ऐसे तो लोगों को विषय दिखते हैं, भगवान नहीं दिखते हैं। वंचक भगत कहा राम को दिनकर वंचन को राम को। तो ऐसे भक्तों की रक्षा तो भगवान नहीं करते हैं, ये तो नामधारी भक्त हैं। अब कोई असली भक्त हो और वो भगवान के रूप से तो प्रेम करता हो और उनके स्वरूप से प्रेम नहीं करता हो, जैसे कोई कोई रसिक होते हैं वो भगवान की रूप माधुरी से लीला माधुरी से तो बहुत प्रेम करते हैं, परंतु भगवान की जो स्वतः सिद्ध स्वरूप माधुरी है उसकी उपेक्षा करते हैं। और कई स्वरूप माधुरी से प्रेम करते हैं और रूप माधुरी और लीला माधुरी और सेवा माधुरी उसकी उपेक्षा करते हैं। तो होना ये चाहिए कि भक्त भी भगवान के स्वरूप की माधुरी का आदर करता हुआ आगे बढ़े कि अंत में हमको वो भेजना है। और जो स्वरूप माधुरी के प्रेमी है वो भी ये हमारे भगवान का ही रूप है, ऐसा समझ करके भक्ति का भगवान का आदर करें। न भक्ति एकांगी होनी चाहिए न ज्ञान एकांगी होना चाहिए। असल में वेदांत का जो अभ्यास करते हैं वो तत्पद वाच्यार्थ का विवेक करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि तत्पद वाच्यार्थ का विवेक करते हैं तो उनके हृदय में भक्ति जरूर है। और जब भक्ति है तो जब तक भगवान का साक्षात्कार स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा, तब पदार्थ और तत् पदार्थ की एकता का बोध नहीं हो जाएगा, तब तक भगवान उनकी भी रक्षा करेंगे ही। क्योंकि तत्पदार्थ का अनुसंधान जो है वो भक्ति ही है। क्योंकि भगवान देखे हुए तो है नहीं, शास्त्र पर सदगुरु पर संप्रदाय पर विश्वास करके श्रद्धा से ही तो तत्पदार्थ का अनुसंधान होता है। इसलिए प्रकारांतर से तत्पद के जीवन में भी भक्ति रहती है और भगवान उनकी भी रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ज्ञान के मार्ग में चलने वाले की रक्षा न करें। आपने सुना होगा शंकराचार्य भगवान का सिर काटने के लिए एक तांत्रिक आया था, तो भगवान ने नृसिंह रूप से आविष्ट होकर के पहले पदाचार्य उसका विक्रम कर दिया और शंकराचार्य की रक्षा की। जड़भरती की भी भद्रकाली में रक्षा की महाशक्ति है, तो भगवत रूप ही तो है ना। इसलिए ये सोचना कि तत्पर्व की रक्षा या जिज्ञासु की रक्षा भगवान नहीं करते हैं,
वो तो बहुत स्वार्थी भगवान होंगे कि जो तुम लंबे चक्कर करो उनकी तो सेवा करें, और जो एक सन्मार्ग में चल रहा है जो सन्मार्ग में चल रहा है उसकी रक्षा न करें। ऐसी कहते तो भगवान, वो तो भगवान का भी स्वरूप शुद्ध ही रहे, उनमें भी कोई पक्षपात आदि का दोष न आए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भक्ति को आप पढ़ाइए खूब आनंद से, परंतु भगवान को इतना पक्षपाती मत बनाइए कि वो ज्ञान मार्ग में चल रहा नहीं बताते हैं। जो सन्मार्ग पर चलता है सबकी रक्षा भगवान करते हैं। क्या है कि पंच परमेश्वर का न्याय मेरे तो ईश्वर से नहीं मिली, तो उनके भगवान बनते ईश्वर को चलने दी अनाज बराबर रहती है लेकिन ईश्वर ने अपनी भाई मजा करी तो जन्म में अभी तक भी ईश्वर को क्षमा नहीं किया, आपने किसी का नाम विभीषण नहीं चुना। अगर आप मुझे लेकिन भूमिषण से खूब वहाँ विभीषण का चरित्र जो है वो विभीषण के चरित्र के तात्पर्य से नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र इतने कृपालु और इतने अनुग्रहशील हैं कि वे विभीषण जैसे पर भी कृपा करते हैं, तो कोई को निराश नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई दुष्चरित्र है कोई दोष है। कथा तो जिस तात्पर्य से होती है प्रगति ने प्रभुचित चूक की होती सुरत सुरत सौवार जही अगपो व्याजी ने डाली सोई सुकंत होती है कुचाली सोई करतो की विभीषण तेरी सपन जही राम मेरी। तो भगवान के अनुग्रह के प्रति कोई निराश न हो उदास न हो, निम्न से निम्न प्राणी पर भी भगवान का अनुग्रह होता है। जी राधा मुखल आयुष भोगी गति सुधीन यही जाचक होगी। अंतर प्रेम मारिच के बारे में अंतर प्रेम का पहचाना मुनि को लघ गति दीन सुझाना, तो इसमें सगुण साकार जो भगवान है उनके अनुग्रह की प्रधानता से जो चरित्र है विभीषण बनने के लिए नहीं है, अकाली बनने के लिए वो तो भगवान के अनुग्रह पर पूर्ण विश्वास करना, इसके लिए उन चरित्रों का जड़ता नहीं आनी चाहिए, चरित्र का तात्पर्य समझना चाहिए। और वो चरित्र विभीषण का नहीं है, न वो चरित्र बाली का है, न वो चरित्र सुग्रीव का है, वो तो भगवत चरित्र की वे इतने दीनहीन पतित पर भी भगवान की कृपा जो है वह अवरुद्ध नहीं होती है, सबके ऊपर आती है। तो जहाँ सीता का चरित्र है सीता का चरित्र है कि राम को परित्याग करने पर भी सीता जी के प्रेम में वृद्धि हुई न्यूनता नहीं आई, वो रामचंद्र पर आक्षेप करने के लिए वो चरित्र नहीं है, सीता पर श्रद्धा बढ़ाने के लिए वो चरित्र है। जो बाली को मारने का चरित्र है वो अपने मित्र पर कैसा अनुग्रह भगवान भक्त पर करते हैं ये भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए है। जब पर शब्द था शब्दार्थ जो शब्द जिस अभिप्राय से बोले जाता है उसी अभिप्राय से उसका अर्थ ग्रहण करने के लिए भगवान को। हमारे गांव में तो एक आदमी था उसका नाम दशानंद था, बोला अच्छा दक्षिण में रावण नाम होते ही है जगह जगह ऐसे नाम मिलते हैं देश में। अब गुजरात में जाए तो वहाँ लड़कियों का नाम मिलता है
रंभा मेनका तिलोत्तमा उर्वशी लड़कियों का ऐसा नाम रखना है पसंद करते हैं अपनी उर्फ ऐसा नाम तो लिंग उत्सव ऐसा है। तो ये देश इतना बड़ा है और देश की बात अगर छोड़ दें तो सप्तक द्वीप की पृथ्वी है और अनेकों इसमें जातियां हैं अनेकों प्रकार की भाषाएं हैं उनमें किसी भी शब्द के बारे में ये कहना कि इसका प्रयोग कहीं नहीं होता है नहीं करता है और विभीषण जी को नाम रखने को उसमें कोई दोष नहीं और उन्होंने रावण को छोड़ा ये बात दूसरी थी उनको रावण ने उनके साथ कम अन्याय नहीं किया था परंतु रावण को छोड़कर वो भगवान की शरण में तो गए दूसरा प्रिय हो रहा राम तो हो वाल्मीकि रामायण में ये किया दोषो यद्यपि तस्यथा सताम एकम अगर एकम भले विभीषण दोषी रहो हाँ लेकिन सत्पुरुषों के लिए ये एक अनिंद्य सुंदर सदाचार है कि जो शरण में आ रहा है उसकी लक्षण है महाराज मैं छोड़ने की बात नहीं वो तो निकाल लेकिन उनको छोड़ता है वो निकाला जाए तो उसका भेद काट दिया जाए तो इतना प्रेम रावण को होता उसके लिए मर जाने का तैयार होता रावण को इतना प्रेम नहीं तो भरी आज्ञा से आज्ञा से मैंने जब विभीषण आज्ञा से भी आया तो उनका दोस्त किया इनके गांव का जो नाम वो भी है एक दिन स्वामी जी किसी पर नाराज हुए तो ये तो मुझे देख नहीं रहे थे कि मैं कहाँ और मैं देख रहा था वो नाराज हो गए बोले तुम नहीं जानते मैं पिंड पर रहना पा रहा
अपने संयम सदाचार से परोपकारी पवित्रता से धर्मानुष्ठान से अपने को स्वार्थी सुझाते स्वामी की सेवा में उपस्थित होना चाहिए। ये नहीं कि हमको भूभीषण बनेंगे हम तो सुरपा तो ही बनेंगे नारी पर भी तो भगवान ने कृपा करी तो हम नारी से ही बनेंगे। ये जो दीन घाट वाले हैं कभी कभी अति कर देते हैं, जो तो धर्म घाट पर जाए न उपासना घाट पर जाए और न ज्ञान घाट पर जाए, कभी कभी दीन घाट वाले जो है उनसे कहो कि ऐसा क्यों किया पूरे दोस्तों ऐसा है कि भक्ति जो है पहले तो भक्ति का साथी होता है, भक्ति तो उसमें अपना कर्तृत्व रहता है और राजानुगा भक्ति होती है तो उसमें योग भी कर्तृत्व होता है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ तो भक्ति का प्रकाश नहीं होता, क्योंकि भगवान अभिमानी और पश्चापी अभिमान दूषित है, अभिमान के हृदय में भगवान का प्रकाश नहीं होता। अब ये बताते हैं कि द्वेष और भक्ति ये दोनों एक हृदय में नहीं रहता, क्योंकि भक्ति और द्वेष, द्वेष में जलन है और भक्ति में रस है, तो रस रूपा होने से किसी के प्रति एक तृण के प्रति भी यदि द्वेष हो तो उसी हृदय में तो रहेगा ना, जिसमें भगवान की भक्ति को रहना है। तो प्रकाशकों को आप शास्त्रों का अर्थ है कि जब संसार की ओर से मुख आता है और भगवान को ओर मुख होता है तो भगवान का ही प्रकाश जो भक्ति के हृदय में पड़ता है वही तो भक्ति है। भगवान का जो हो आनंद प्रधान, आनंद प्रधान सच्चित स्वरूप हो, वो जब भक्त का मुख भगवान की ओर होता है तब उसमें प्रतिबिंबित होता है, तो वो प्रतिबिंब से युक्त जो वृत्ति है भक्ति की उसी को भक्ति कहते हैं। भगवत प्रतिबिंब से युक्त है, प्रीति पहले से थी, भगवत प्रतिबिंब और आ गया, तो यही है साधु अस्मिन अस्मिन पूर्व वर्तमान है दृश्य माने हृदय दृश्यमान अस्मिन माने हृदय दृश्यमान है, अपने हृदय में ही जो दृश्यमान भगवान है उनके प्रति सर्वत्र होते, परंतु ये रूप है भक्ति का और भक्ति का जो स्वरूप है वो तो अमृत स्वरूप आकर दो लक्षण बताया, एक प्रेम रूपा और एक अमृत स्वरूपा। तो प्रेम रूपा तो वृत्ति है और अमृत स्वरूपा जो है वो तो भगवान को अभिन्न है, भगवत स्वरूप ही है, कहा भक्ति और भगवान में वो भेद नहीं है। अमृत स्वरूपा स्वर मैंने परिणत परिणत हो अमृत स्वरूपा हमारी भक्तियों में ममता का क्या है? ये हो कि ममत्व जो है वो राजा भक्ति भक्ति में जो है वो आज्ञा आदेश विधि मूलक ममत्व रहता है और ममत्व का रूप रहता है कि मैं उस प्रभु का, लेकिन राजानुवाद में प्रभु मेरे हैं ऐसा मनक किया जाता है, पश्चिम मनासव चौथा मनक आता है और जो पराभक्ति है उसमें प्रमोवाहन का उदय हो जाता है, परमात्मा से अपने अनुभव का एक क्षण के लिए भी वैष्णव लोग मानते हैं अलगाव नहीं होता है और तत्व दृष्टि से तो तत्व नहीं है, वो तप और त्वम दोनों जब एक हो जाते हैं तब उसका नाम तत्व होता है, तत्व और उत्पन्न दोनों मिल गए, तत्व
तत्व रखे स्वयं तत्व है, परंतु धूप पाठ की जो प्रक्रिया है उसमें साफ 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 स्वयं 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 साफ स्वयं साफ स्वयं साफ स्वयं साफ स्वयं अति सत्वन अति सत्वन अति अति तत्व ऐसे धूप दो सौदिक प्रक्रिया को तीन प्रकार से उसका पाठ करते हैं। इसलिए यहाँ वही अर्थ जो वेदांति करते हैं वही तीन अर्थ है, प्रत्यगो सूक्ष्म भगवान प्रत्यक्ष पार्थ भगवान तनवे सूक्ष्म इससे अधिक स्पष्ट होता था। हमने पूछा है जासु सत्यता के जड़ माया आज सत्य मोह सहाय, माया के जड़ क्यों कहा गया है और दूसरा मोह की उत्पत्ति कहाँ से हुई व इसकी निवृत्ति कैसे होगी। जब किसी की निंदा करनी होती है तो उसको जड़ कहा जाता है, बहुत जड़ है। ये माया जब परमात्मा से आत्मा से भिन्न है तब तो जड़ता उसकी बिल्कुल स्पष्ट है, और यदि इसको अभिन्न मानते हो तो माया नाम की कोई चीज ही नहीं बाधित है। इसलिए जब तक माया प्रतीत होती है परमात्मा के दर्शन में तो डालती है बाधा जो कि सत्य है, और जो प्रपंच है जो कि नहीं है उसको सत्य के समान दिखाती है। तो तब तक इस माया का निरूपण करना पड़ता है कि जितनी भी जड़ता है चेतन में वो सब माया का ही कार्य है, इसलिए कार्य कारण का भेद करके माया को जड़ कर दिया। लेकिन वो सच्ची भासती किसको है तो जो मोह में पड़ा हुआ है, तो हमारे जीव में जो मोह है अज्ञान है उसके कारण माया सच्ची मालूम पड़ती है, और वो जो सच्ची है वो अनात्मा होने के कारण भी जड़ है और मिथ्या प्रतीति का हेतु होने के कारण भी जड़ है और भ्रांति का हेतु होने के कारण भी जड़ है, इसलिए उसको जड़ ही कहना उचित है। इसके भी दो भेद हैं, एक तो गो गोचर जहल की मन जाई और एक मैं और मोर तोर तय माया। तो मैं मोर तोर तय जो माया है वो तो मोह की सहायता से बंधन का हेतु है, और जो प्रतीति मात्र ही है गो गोचर जहल की मन जाए उसमें यदि अपना अंतकरण शुद्ध हो माने मुकुर शुद्ध हो, मुकुर शुद्धि का अर्थ है अंतकरण की शुद्धि, और नेत्र होने का अर्थ है विवेक का होना, नेत्र होने का अर्थ है विवेक होना और मुकुर शुद्धि का अर्थ है अंतकरण की पवित्रता। तो ये यदि दोनों होंगे तो मोह नहीं होगा और वही माया विद्या रूप से परमात्मा की अभिव्यंजक हो जाएगी। इसलिए उसकी सत्यता दो तरफ की है, एक मोहनी सत्यता है और एक भाषणी प्रकाशनी सत्यता है। तो इसी से विद्या अविद्या को भेद करके माया का वर्णन करता है।